हर हर तूफाने तुम्हारा में ही ओ मुने मुने राय बर हर तूफाने नतुन हृदय हाय झिरे झिरे नए बाहरे बुकोते नतुन रुदाली मो। हाय आई एम श्रोमणा और मैं अभी सोशल सेक्टर में काम कर रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि मैं म्यूज़िक भी करती हूँ और मुझे सोशल वर्क करने में बहुत अच्छा लगता है। बचपन से जब मैं म्यूज़िक करती थी, म्यूज़िक जब सुनती थी, खास करके सिर्फ म्यूज़िक सुनना नहीं होता बट उसको मैं समझने की कोशिश करती ज़्यादा, क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसा चीज़ है जो लाइफ के पर्सपेक्टिव को बदल देते हैं, ज़िंदगी जीने का तरीका बदल देते हैं। कोई कोई समझते हैं कि सिर्फ म्यूज़िक करने से, सिर्फ म्यूज़िक सेक्टर में ही घुसना बहुत बड़ी बात होता है, पर मेरे लिए म्यूज़िक एक लाइफ के जर्नी है और लाइफ के जर्नी के हर एक पल का जो मैसेज मैं म्यूज़िक से ही मुझे मिलता है। तो बचपन से जब मेरा एडुकेशन चलता था, स्पेशली मैं आज आप लोगों के साथ ये भी बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से सोसाइटी में जेंडर का क्या पर्सपेक्टिव है, लाइक जेंडर को सोसाइटी में कैसे मतलब लोग देखते हैं। क्योंकि यही अगर म्यूज़िक अगर कोई एक लड़की अपने फ्यूचर के लिए करना चाहती है तो हो सकता है कि उसके लिए बहुत सारे बैरियर आए, उसके लिए अपने सोसाइटी विल बी अ लॉट ऑफ यू नो बैरियर फॉर हर। बट वही अगर एक लड़का करना चाहे, उस म्यूज़िक को फॉलो करना चाहे या फिर कोई भी अपना ख्वाब को जीना चाहे, तो वहाँ पे शायद सोसाइटी विल नॉट बी अ बैरियर इन दैट वे। सो एक तो मुझे लगता है कि बचपन से जब मैं पढ़ाई करती थी तो जेंडर का एक बहुत बड़ा रोल मैंने देखा है अपने सोसाइटी में, एंड एज बिकॉज मैंने अपना पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में किया है तो मुझे बहुत ज़्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का हिस्सा नहीं बनना पड़ा। बट इन माई क्लासरूम जब मैं पढ़ाई करती थी तो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया है कि ऑलवेज एक तरह का लाइक लड़की लोग को क्या चीज़ करना चाहिए, लड़के को क्या चीज़ नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, इन दोनों में ऑलवेज एक फ़र्क कर देना मुझे लगता है कि ये सिस्टम के अंदर है। कहीं भी हम लोग पढ़ने जाते हैं, चाहे वो घर का परमिशन हो, चाहे वो कौन से कॉलेज में एडमिशन लूँगी या बड़े होके क्या कौन से सेक्टर में जॉब करूँगी, हर तरह का डिसीजन मुझे लगता है कि वो जेंडर के हिसाब से लिया जाता है सोसाइटी में। तो मुझे यहाँ पे हर बार क्वेश्चन आता था कि मैं बड़े होके क्या बनना चाहूँगी, ना कि सोसाइटी क्या चाहते हैं मुझसे। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ था व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज कि मेरे अंदर का एक मतलब कि एक अलग एक इंसान है जो कि दुनिया को घूमना चाहते हैं, ना कि एक छोटे से दायरे में रह के दुनिया के बारे में अज्यूम करते रहते हैं। क्योंकि जब तक हम लोग घर के बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हम लोग घर के दरवाजे के दरवाजे के बाहर जाके हम दुनिया को नहीं देखेंगे कि दुनिया में क्या लोग कर रहे हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहे हैं, बेसिकली हम चैलेंजेस को फेस नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए दुनिया बस उतना ही हो जाता है और डिसीशंस भी उतने तक ही रह जाते हैं। तो लोगों को भी बहुत आसान लगता है कि हमारे डिसीशंस के ऊपर इन्फ्लुएंस करना, क्योंकि तब हमारे पास वो रियलिटी नहीं होता है, वो बताने के तरीका नहीं होता है, हमारे पास यू नो एक्सपीरियंस नहीं होता है कि हम लोगों को सुनाएं या बताएं कि क्या हम लोग कैसे जी रहे हैं अपना लाइफ या बाहर दुनिया कैसा है। तो यंग जनरेशन या खास करके जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं अपने दौर के लिए, स्कूल कंप्लीट किया है या स्कूल में है, मैं उन लोगों को इतना ही कहूँगी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जेंडर के हिसाब से कोई पर्सपेक्टिव नहीं रखना चाहिए। अपने को ऑलवेज पूछो कि तुम क्या करना चाहते हो, एंड सबसे बड़ी बातें हैं कि एक लड़की होके तुम्हें ये नहीं करना है, एक लड़का होके तुम्हें ये नहीं करना है, इट इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ इट्स अ काइंड ऑफ बाउंड्री विच हैज़ बीन क्रिएटेड मैनी मैनी ईयर्स बिफोर, वो आजकल नहीं चलता है। आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कि एक लड़की कहाँ पहुँच रहे हैं और एक लड़का भी घर का काम कर रहा है,
यू नो देयर आर वेरी गुड शेफ्स एंड वेरी गुड कुक एट होम ऑल्सो जो खाना बनाते हैं एंड यू नो देयर वाइफ्स आर गोइंग टू ऑफिसेस एंड देयर अर्निंग मनी राइट. सो ऐसे सोसाइटी हो गया है और जैसे दुनिया बदल रहे हैं मुझे लग रहा है कि जितना आप लोग एक्सपोजर देंगे अपने बच्चे को कि अपने घर के बाहर जाके देखो सीखो और चैलेंजेस तो आएगा ही कि जब तक आप लोग नहीं देखेंगे दुनिया को कि कितना ख़राब ही भी है कि लड़की में भी कितना खराबी है और लड़का में भी कितना खराबी हो सकता है तो हमें दायरा नहीं बना के जीना चाहिए एंड जेंडर को डिस्क्रिमिनेट करके कोई भी डिसीशन ले ही लेना चाहिए क्योंकि एवरीथिंग शुड बी एवरीवन्स राइट. तो अगर मेरा पढ़ने का हक है तो मेरा ज़िंदगी जीने का हक भी बनता है. तो कोई भी लड़की को अपने बात रखना चाहिए घर पे या जो भी इंसान को तुम अपने फ्यूचर के लिए सिलेक्ट कर रहे हो उसके सामने बात रखा करो. जब तक बात नहीं रखोगे जब तक दुनिया नहीं घूमोगे तो मुझे लगता है कि वो डिसीशन एक बहुत ही हल्का मतलब कि बैकग्राउंड के ऊपर रह जाते हैं जो कभी भी गिर सकता है. कभी भी तुम पे क्वेश्चन आएगा कि व्हाई डिड यू टेक दिस डिसीशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल माई जूनियर्स ऑल माई फ्रेंड्स आई विल जस्ट सजेस्ट यू कि टेक योर डिसीशन बट पहले एक्सपोजर ले लो पहले दुनिया घूम लो एक्सपोजर ले लो लोगों से मिलो. आई थिंक यू कैन डिसाइड ऑन योर ओन व्हाट यू वांट टू डू. सो गाइस इफ यू लाइक व्हाट आई हैव सेड आप लोग को अगर लग रहा है कि मेरी बात को सुन के आप लोग कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो बिल्कुल कॉमेंट करिएगा बिकॉज आई एम हियर टू आंसर योर क्वेरीज योर क्वेश्चंस. आई एम ऑलवेज बी देयर बिकॉज मैं इसको खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ अपने लाइफ में और खुद काम भी कर रही हूँ इस सेक्टर में. तो जो भी यंग जनरेशन को इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है या एनी वन इफ यू वॉन्ट टू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए और बिल्कुल लाइक करिए. थैंक्स.